मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में मुक्ता काशी मंच पर आयोजित राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का जन्म करवाया और रामलला को अपने हाथों से झूला झुलाया और रामलला की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि रामनवमी देश का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी बधाई। पूरे देश में भगवान श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर और अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बुधवार से लेकर गुरुवार तक 15 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से वहां पर सरयू नदी में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर के सभी शक्तिपीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने और मंदिरों में दुर्गा सरस्वती का पाठ, रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, जो कि सभी जनपदों में हो रहा है। हम सब जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझे। नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए गए हैं। संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रामनवमी की हार्दिक बधाई। वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों पे जगत जननी माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्म भूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद
श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि बासंती नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो, ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है, वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है, ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है, भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही ये संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जनकल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज को देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना, हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने एक बृहद अभियान का हिस्सा सरकार बनी और सफलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाया है।
इस सरकार के सकारात्मक और रचनात्मक उस प्रकृति को ही प्रदर्शित करता है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। धर्म को हम उपासना विधि मानने की भूल न करें। उपासना विधि किसी एक विशिष्ट पद्धति को लेकर के उसके प्रति आग्रही बनाता है। धर्म एक व्यापक अवधारणा है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है, जो भारतीय मनीषा का राह है। G20 के देशों की अध्यक्षता करते हुए भारत ने थीम दुनिया को दिया है और दुनिया को दी जाने वाली थीम जो वसुधैव कुटुंबकम की है, ये उसी का उदाहरण है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। जगत जननी माँ भगवती, आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि पूरे प्रदेश वासियों के जीवन में सुखमय समृद्धिमय बने, इसकी प्रार्थना करते हुए अपनी शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों के प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।